हाय वंडरफुल पब्लिक, स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉजिस्टिक थिंग्स में, जहां पर हम करेंगे कुछ लॉजिक भरी और फैक्टफुल बातें। तो आइए बिना रुके थमे करें शुरुआत वीडियो की। आज हम बात करने जा रहे हैं मैकफी एंटीवायरस के जनक जॉन मैकफी की, जो एक ब्रिटिश अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो बार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। ये एक सिरफिरा था और अपने अजीबोगरीब हरकतों की वजह से अक्सर ही लाइमलाइट में रहता था। इसने बहुत से प्रोग्राम बनाए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। जॉन मैकफी का जन्म सिंडरफोर्ड इंग्लैंड में 18 सितंबर 1945 को हुआ था। इसके पिता अमेरिका की सेना में थे और इसकी माँ ब्रिटिश थी। इसका पालन पोषण स्लेम वर्जीनिया अमेरिका में हुआ था। जब मैकफी 15 वर्ष का था, तब इसके पिता ने बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। जॉन मैकफी 1967 में वर्जीनिया के रोनोक कॉलेज से गणित में स्नातक हुए। जॉन को नासा के इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस द्वारा 1968 से 1970 तक अपोलो कार्यक्रम हेतु प्रोग्रामर के तौर पर चुना गया था। जॉन मैकफी ने वायरस से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना 1980 में शुरू किया था। मैकफी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के बड़े नामों में शुमार थे। उन्होंने 1987 में कैलिफोर्निया के सांता कालरा में मैकफी कॉर्पोरेशन की स्थापना की। पर्सनल कंप्यूटर का बूम होने के साथ ही मैकफी एंटीवायरस ने भी बाजार में बादशाहत पा ली थी। 80 से 90 के दशक में बहुत सी कंपनियां इनका ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती थी। जॉन ने 1994 में इस्तीफा दे दिया, लेकिन बिजनेस से जुड़े रहे। हालांकि 2011 में इंटेल ने इस सॉफ्टवेयर कंपनी को खरीद लिया और मैकफी के सभी प्रोडक्ट को इंटेल सिक्योरिटी नाम से रीब्रांड कर दिया। जॉन मैकफी ने नासा, जेरोक्स और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों के लिए भी काम किया था। 2016 में जॉन मैकफी ने ऐलान किया था कि वो लिबर्टेरियन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनेंगे। हालांकि उनकी जगह न्यू मैक्सिको के पूर्व गवर्नर ने उम्मीदवारी जीती थी। 2012 में जॉन मैकफी को बिना लाइसेंस दवा निर्माण व बिना लाइसेंस हथियार रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। बाद में रिहा भी कर दिया गया था। इस तरह ये कई बार गिरफ्तार हुआ और रिहा भी हो गया। जॉन मैकफी सालों से अमेरिकी अथॉरिटी से भाग रहे थे। कुछ समय वो अपने यॉट पर भी रहे। मैकफी पर टैक्स चोरी के आरोप में टेनेसी और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस में न्यूयॉर्क में केस दर्ज हुआ था। आरोप है कि जॉन मैकफी ने जानबूझकर 2014 से 2018 के बीच टैक्स नहीं दिया, जबकि क्रिप्टो करेंसी और अपनी जिंदगी की कहानी के अधिकार बेचने से उन्होंने करोड़ों कमाए थे। अगर वो अमेरिका में दोषी पाए जाते तो 30 साल तक जेल हो सकती थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मैकफी ने 2014 से 2018 में 1.2 करोड़ डॉलर से ज्यादा कमाए थे, लेकिन टैक्स नहीं दिया। जॉन मैकफी ने खुद 2019 में कहा था कि वैचारिक वजहों से उन्होंने 8 साल से अमेरिकी इनकम टैक्स नहीं दिया है। 3 अक्टूबर 2020 को बार्सिलोना एयरपोर्ट पर जॉन मैकफी को हिरासत में लिया गया था। वो ब्रिटिश पासपोर्ट से इस्तांबुल जा रहे थे। 5 अक्टूबर 2020 को अमेरिका के अनुरोध पर क्रिप्टोकरेंसी और कुछ प्रारंभिक सिक्कों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया और स्पेन की जेल में बंद करवा दिया गया। ये मामला अमेरिका में आज भी लंबित है। 23 जून 2021 को जॉन मैकफी ने स्पेन की जेल में आत्महत्या कर ली। जॉन मैकफी की मौत स्पेन के हाईकोर्ट के उस फैसले के कुछ घंटों बाद हो गई, जिसमें उन्हें अमेरिका भेजने की मंजूरी दी गई थी। मैकफी पर अमेरिका में टैक्स चोरी के आरोप में केस दर्ज था। 75 वर्षीय जॉन ने दुनिया का पहला कमर्शियल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकफी बनाया था। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिंदगी कुछ साल के लीज पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर भेजें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें। और जो बगल में बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है, उसे मंदिर की घंटी समझकर जरूर दबा दीजिएगा। टिल देन, टेक केयर।